हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यात्रियों को अफीम बेच रहे दो युवक पकड़े गए। 1.200 किलो अफीम का दूध और 10,250 रुपए की नकदी बरामद, बाइक भी जब्त। महानगर की करवड़ पुलिस ने लोक देवता बाबा रामदेव के यात्रियों को अफीम बेचने की फिराक में घूम रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनकी बाइक भी जब्त की गई। वे लोग मध्य प्रदेश से अफीम का दूध लाकर यहां बेच रहे थे। पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव और रामदेवरा मेला के दौरान विशेष रूप से नाकाबंदी चल रही है। इसी के तहत करवड़ पुलिस सूचना मिली कि मध्य प्रदेश नंबरों की एक बाइक पर दो लड़के अफीम का दूध परिवहन कर रहे हैं और बाबा रामदेव के यात्रियों को बेचने की फिराक में है। इस पर भवात तिराहा खाड़ी रोड पर नाकाबंदी कर बताए गए नंबर की बाइक रुकवाकर उस पर सवार युवकों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से 1.200 किलो अफीम का दूध और 10,250 रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने ये माकत पदार्थ और नकदी सहित बाइक जब्त कर दोनों आरोपियों मध्य प्रदेश के देवास जिले में सोनगंज थानांतर्गत कुमारिया राव निवासी गोपाल जाट पुत्र रेवा राम और डांगियावास थानांतर्गत आशापुरा तिगरा निवासी राम उर्फ दिनेश पुत्र मंगल राम जाट को गिरफ्तार कर लिया। राम मिठाई की दुकान पर काम करता है। वे लोग मध्य प्रदेश से ये अफीम का दूध लाए थे और यहाँ यात्रियों को बेच रहे थे। बरामद राशि अफीम के दूध को बेचकर कमाई गई थी। पुलिस ने इस संबंध में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच मंडोर थानाधिकारी आनंद कुमार को सौंपी है। इस कार्यवाही में करवड़ थानाधिकारी राजू राम के हेड कांस्टेबल गणेश राम, भोपाल राम और गोविंद सिंह, कांस्टेबल खेत सिंह और मुकेश और महिला कांस्टेबल श्रीमती प्रियंका शामिल थी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।